आई एम योर होस्ट हरिका और आप देख रहे हैं हमसे जानो। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं अनारकली की एक वॉच शॉप में जिसका नाम है क्लासिक वॉच कंपनी। यहाँ की वॉचेस या क्लॉक्स की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइंस में होती हैं। इसकी क्या वजह है कि इनकी वॉचेस और इनकी क्लॉक्स बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइंस में होते हैं, आइए जानते हैं इनसे। खान साहब, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी शॉप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घड़ियाँ हैं, क्या वजह है कि ये इतनी खूबसूरत हैं, कहाँ से मंगवाते हैं आप ये? नहीं, दुकान पर तो हमने डेकोरेट किया हुआ है, लेकिन घड़ियाँ ज़ाहिर है ज़्यादातर कराची से ही आती हैं। पहले तो बाहर से आती थी, अब कराची में सारा सेटअप है। सर, कौन कौन सी घड़ियाँ होती हैं आपके पास? तकरीबन सारी घड़ियाँ, हर किस्म की ब्रांड है, सिटीजन है, सीको है। और क्लॉक्स के साथ साथ आपके पास रिस्ट वॉच भी होती है? क्लॉक के साथ रेस्ट वॉचेज भी हैं, रेस्ट वॉचेज। कौन कौन सी कंपनी की क्लॉक्स होती हैं आपके पास? सिटीजन के हैं, सीको के हैं, चैम्पियन के हैं, एम्स के हैं, ये सारे ब्रांड हमारे पास है। सबसे अच्छी कंपनी कौन सी होती है? सिटीजन की है, सीको की है, वो जरूर। ये कंपनी मुख्तलिफ होती है, सिटीजन है, सीको है, राडो है, तो सिटीजन की अपनी क्वालिटी होती है, सीको की अपनी है, राडो की अपनी है। ये ब्रांड है, ये कंपटीशन में इनके कि प्राइसेस भी वेरिएट करती रहती हैं। कोई जो कस्टमर 4-5 हज़ार में लेता वो सिटीजन ले लेता, ये 8-10 हज़ार तक चलती है, फिर सीको आ जाती है। माशाल्लाह से आपकी शॉप पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक घड़ियाँ हैं, क्या क्वालिटी आपकी घड़ियों? 40 ईयर्स हो गए इस शॉप को, मतलब वैरायटी भी बहुत अच्छी है और डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी होती है। हर क्लॉक, हर तरह के ब्रांड के क्लॉक मौजूद है हमारे पास। सर, जिनमें कौन कौन सी ब्रांड आ जाती है? सिटीजन है, सीको है, चैम्पियन में है। चैम्पियन माशाल्लाह कोई 60 साल से चल रहा है, पाकिस्तानी क्लॉक है, बहुत अच्छा क्लॉक है। सीटो अब आ गए हैं, KWC है, ईस्टर है, पावर क्लॉक है, डिफरेंट काफ़ी ब्रांड आ गए, रिदम भी है। जो अभी आपने एक ब्रांड बताया जो 60 सालों से चल रहा है, इसकी क्या क्वालिटी है? क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब तो पहले तो टोटली सारा क्लॉक जो ना पाकिस्तान में तैयार होता था, अब जो ना वो प्राइसिंग महंगाई की वजह से यहाँ उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ज़्यादा कुछ ज़्यादा इम्पोर्ट बाहर से कर रहे हैं। कुछ क्लॉक यहाँ जो बना रहे हैं जो मुनासिब कीमत के हैं, जो चैम्पियन है जैसे ये चैम्पियन है, ये बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये कोई 2500 का क्लॉक है, 2500। इसके बाद कौन सी ब्रांड है जो इससे थोड़े अपर लेवल? वो बिल्कुल डिफरेंट, हर लोगों ने अपना बनाया हुआ है, डिफरेंट नेम से बनाए हुए हैं इस, वो बिल्कुल हल्के, बहुत ही निकम्मे से क्लॉक होते हैं। चैम्पियंस बेहतरीन इकोनॉमी प्राइस के हवाले से बड़े अच्छा क्लॉक है। सर, चैम्पियन मॉडल के कोई 2-3 मॉडल्स हमें दिखाएं। एक ये चैम्पियन में ये देखें, खूबसूरत क्लॉक है, 3000 प्राइस है इसकी। इसमें ये भी चैम्पियन है, ये चैम्पियन में फैंसी क्लॉक में इस तरह, ये चैम्पियन में है, ये भी इम्पोर्ट है बाहर से, ये लोकल नहीं है। मूवमेंट भी अच्छी है, जापान मूवमेंट होती है, बेहतरीन चलता है। सीको रिदम दोनों क्लॉक है, ये देखें, ये रिदम के हैं, ये सीको ब्रांड है, ये ओरिजिनल जापान मेड होते हैं। अच्छा सर, सीको जो ब्रांड है, सीको और रिदम, ये किस वजह से यूनिकनेस रखती है बाकी घड़ियों की ब्रांड से? बहुत अच्छी ना, जापान की चीज़ आपको पता है कि हर लिहाज से वो बेहतरीन होती हैं। अब प्राइजेज इनके ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब जो कस्टमर इन ये बाय नहीं करता, क्योंकि प्राइजेज का सिंपल जो क्लॉक है ना सीको का, ये 12,000 रुपये का, 12,000 रुपये का, 12,000 रुपये का ओरिजिनल क्लॉक है सीको जापान का। सीको जापान का क्लॉक 12,000 रुपये का है, ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस है या मिड वाली आ जाती है? समझिए कि आप ये 6-7 हज़ार से शुरू होता है। सर, कोई हमें 6-7 हज़ार वाला मॉडल दिखाएं। ये देखें, ये है, ये सीको 12,000 रुपये का है, ये 10-10 हज़ार रुपये का रिदम में है, ठीक है, ये भी सीको है, 12,000 रुपये वुड में। अच्छा सर, इसके अलावा ये तो हो गई 3 ब्रांड्स, इनके अलावा और कौन सी ब्रांड है आपके पास? ब्रांड बस यही चलते हैं, 8-10-15 ब्रांड हैं जो चल रहे हैं, बाकी रिस्ट वॉचेज हैं, इसमें भी सिटीजन, सीको, कैसियो, एडिफाइज, एपी, अपीला, गोल्डबर्ग, डिफरेंट ब्रांड है, काफ़ी ब्रांड। रिस्ट वॉचेज में आपके पास कौन कौन सी क्वालिटी होती है? सिटीजन है, सीको है, राडो है, कैसियो है, एपी है, ब्रेटलिंग है, टैगोर है, और उसमें वो है गोल्डबर्ग है, काफ़ी ब्रांड है, स्टिसॉर्ट है, काफ़ी ब्रांड है इसमें। अच्छा सर, हम देख सकते हैं कि आपने हर ब्रांड के डिफरेंट जो है सेक्शन बनाए हुए हैं, तो ज़रा शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसके साथ इसके सिटीजन भी हमने डिस्प्ले की हुई हैं, सारे ओरिजिनल घड़ी हैं सारे। सर, लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं, हम देख सकते हैं मिक्स में है दोनों। थोड़ी सी प्राइजेस बताएं और इनकी क्वालिटी। क्वालिटी बहुत ही, गोल्ड प्लेटिंग होती है, कलर भी इनका अच्छा चलता है, और सफ़ायर ग्लास होता है, ऑल स्टेनलेस स्टील चेन होती है सारी इनकी। सर, मैं देख सकती हूँ कि सारी जो है वो गोल्ड प्लेटेड ही हैं, क्या इनके में गोल्ड प्लेट के अलावा नहीं कोई आती? नहीं, आती हैं, क्यों नहीं, देखने गोल्ड और सिल्वर मिक्स है, ठीक है, ये भी गोल्ड सिल्वर, ये सिल्वर में भी है, ये ब्लैक गोल्डन में भी है, अब इसी तरह ये सिटीजन में है, फुल ब्लैक में भी है। अच्छा सर, आप कोई एक आधा मॉडल हमें बाहर निकाल के दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, अब ये देखें, ये पेट्रॉन में है, ये भी ओरिजिनल ब्रांड है पेट्रॉन,
ऑल स्टील है, गोल्ड प्लेटिंग में कलर इसका भी बहुत अच्छा चलता है और मशीन भी अच्छी है सर। इसके अलावा अभी ये सिल्वर कलर वाली जो है ये निकाल के दिखाएं, कोई फीमेल्स की भी निकाल के दिखाएं। ये भी जेंट्स में है, ठीक है, ये फीमेल में है, गोल्डन में है, ये डबल कलर में है फीमेल। सर क्या प्राइस है इसकी? ये इसकी प्राइस है जी कुछ 13,500, ये 15,000 रुपये की है। दोनों 15,000 रुपये की है? हाँ जी। अच्छा सर, अब अगर नेक्स्ट सेक्शन की बात की जाए तो बताइएगा कि ये सिटीज़न मेड इन जापान, इनकी मुझे बताएं। अब जो ना ये सिटीज़न जितना भी है ना, ये सारा आ रहा है अंडर लाइसेंस बन रहा है मलेशियन मूवमेंट जापान हो। हाँ, ये सारा वो गड़ियाँ हैं। सर क्या क्वालिटी होती है इसकी? क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑल स्टील है, सफायर ग्लास है। सर ये वाली वॉच हमें ज़रा निकाल के दिखाएं प्लीज़। जी दोनों सिल्वर एंड गोल्ड। सर क्या प्राइस है इनकी और क्या खासियत है? ये 8,500 रुपए की है, ये 25,000 की है। सर जेंट्स वॉच है ना? 25,000 का पेयर है? सिंगल ये क्रोनोग्राफ है ना, स्पोर्ट्स मॉडल में आ जाती है ये क्रोनोग्राफ। सर इसका जो ग्लास होता है, जैसे आपने उसका बताया कि सफायर का ग्लास होता है, इसके ऊपर कौन सा ग्लास होता है? इन पे भी सफायर होता है, कोटिंग होता है कि कप वगैरह से धुंधलापन अंधा नहीं होता, शीशा क्लियर रहता है काफ़ी देर। सर ये वाली वॉच बड़ी खूबसूरत लग रही है ये, और इसके साथ हमें एक दो मॉडल्स और भी निकाल कर दिखाएं। ये 38,000 की है, ओरिजिनल जापान क्वार्ट्ज। इसके अलावा ये जो ब्लैक वॉच है ये भी है, 10,000 की है। सर कपल वॉच नहीं आ जाएगी इनमें कोई? कपल भी होती हैं, अभी फिल वक्त अभी नहीं है, मौजूद नहीं है, होते हैं कपल भी होते हैं। अच्छा सर, इनकी स्टार्टिंग प्राइस सिटीजन की कहाँ से स्टार्ट होती है? रिस्ट वॉचेस 4,000 से शुरू है। और कहाँ तक चली जाती है मैक्सिमम? काफ़ी है, मैं काफ़ी महंगी है, इसमें कोई 15,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 70,000, 80,000 तक भी जाती है। अच्छा सर, अब अगर बात की जाए नेक्स्ट सेक्शन की तो ये है आई थिंक राडो का। ये राडो सर, इसके बारे में भी कुछ बताएं। राडो स्टार्ट ही जो ना वो 50,000 से स्टार्ट होती है। क्या खासियत रखती है ये राडो? है ना जी, स्विट्जरलैंड मेड इन स्विट्जरलैंड ब्रांड है। अच्छा सर, इसके भी हमें दो तीन मॉडल्स बाहर निकाल के दिखाइएगा प्लीज़। ये है जी 85,000। और इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है? इसका मटेरियल बारे में? मेटल होता है, सफायर होती है सारी, टोटल सारी सफायर। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा हम आज मौजूद थे अनारकली की न्यू क्लासिक वॉच कंपनी में, जहाँ पे हमने आपको विजिट कराया मुख्तलिफ वॉचेस और क्लॉक्स का, जिनमें सीको, सीटो, चैंपियन, इस तरह के ब्रांड्स सर फहरिस्त हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।